हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एसएससी की तरफ से नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। दैट इज रिलेटेड टू सीईटी, जिसका नाम आप लोग बार बार पिछले 3 सालों से सुन रहे थे। इस बार बजट में भी इसका नाम हमें सुनने को मिला। और जिसमें इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है ये, और आज गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है, तो क्या कुछ आपके चेंजेस आ सकते हैं, क्या आप एसएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन सीईटी की है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे। दैट इज सेंटर टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वन सीईटी फॉर रेलवेज, बैंक एंड एसएससी। यानी कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, सेंटर आपका सीईटी अप्रूव करने जा रही है, एक नया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अप्रूव कर दिया है, सेटअप करने जा रही है नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। एक नई एजेंसी बनाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, जो कि एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रेलवेज, बैंक एंड एसएससी, तीनों के लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेटअप अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द प्रपोज्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल नॉन गेजेटेड पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है उस प्रपोजल को, जिस प्रपोजल में ये बात कही जा रही थी कि NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया जाए। उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने आज अप्रूव किया है। तो ओवर द नाइट कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, आज उन्होंने अप्रूव किया है। धीरे धीरे ये रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर्म होगी, उसके बाद ये काम करना चालू करेगी। तो जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, कौन कराएगा, NRA यानी कि एक कंडक्टिंग बॉडी होती है जिसके थ्रू ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को आज गवर्नमेंट ने किस सेटअप के लिए अप्रूव कर दिया है। ऐसा नहीं कि आज सेटअप हो गई है, ठीक है, ये सभी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए SSC ये आपका NRA एग्जाम कंडक्ट कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक नई टू एक प्रपोजल को उस प्रपोजल को अप्रूव किया है टू सेटअप अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA फॉर कंडक्टिंग द प्रपोज्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल टू ऑल नेशनल नॉन गेजेटेड पोस्ट। यानी कि सीईटी जो एग्जाम जो प्रपोजल है, उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी चाहिए। उस एजेंसी को बनाने के लिए एक प्रपोजल था, उसे अप्रूव कर दिया गया है, जिसके बाद NRA अब बनाई जा सकती है। और जब NRA बनेगी, उसके बाद वो सीईटी को कंडक्ट कराएंगे। NRA के अप्रूव होने से करीब नियरली 2.5 आई थिंक यहाँ पे करोड़ होना चाहिए जॉब सीकर्स इन इंडिया हु अप्लाई फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन टू वेरियस गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एजेंसीज will now have to appear for a single common entrance test CET, the scores of which will be valid for 3 years. यानी कि हम ये CET exam conduct कराया जाएगा government की NRA के द्वारा, जो कि ऐसा नहीं, मतलब ऐसा अभी क्या होता है, अगर मुझे बैंक का पेपर देना है तो मैं IBPS की तरफ जाता हूँ, फिर एक फॉर्म का पैसा देता हूँ। अगर मुझे SSC की तरफ जाना है तो SSC का CGL का फॉर्म अलग भरा है, रेलवे करना है तो रेलवे का फॉर्म अलग भरा है। अब मोस्टली होता क्या है, देखा यह जाता है कि तीनों का ही एस्पायरेंट एक ही होता है, एक ही एस्पायरेंट बैंक में भी करना चाहता है, वही SSC भी करना चाहता है, वही रेलवे भी करना चाहता है, जो मिल जाए वो करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कॉमन, पहले तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को फॉर्म किया, जैसे कि NTA फॉर्म है ऑलरेडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि JEE नीट वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी फॉर्म कर दी जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, फॉर्म करने का प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, अभी फॉर्म नहीं हुई है, फॉर्म होगी। वो एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू अगर आप उसका एक पेपर देते हो तो उसका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। अब उसके अगर यानी कि आपने सीईटी दिया, तो जब आप सीईटी दे दोगे तो सीईटी का एक स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा। जब आप सीईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद अपना रास्ता चूज कर सकते हो, अब तुम्हें बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, SSC में जाना है। तो ये आपका एक सिंगल ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा फॉर रेलवे, बैंक एंड SSC के लिए। कैसे क्या काम करेगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं है, जैसे जैसे वो डिटेल्स आती जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। देर आर ऑलमोस्ट 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल दो वी आर मेकिंग एग्जाम्स ऑफ ओनली 3 एजेंसीज कॉमन एज ऑफ नाउ। यानी कि अभी गवर्नमेंट के पास 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं अभी के लिए। गवर्नमेंट सिर्फ 3 एजेंसीज के एग्जाम्स को कॉमन कर रही है, रेलवे, बैंक और SSC के। इन कोर्स ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू हैव कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सभी के लिए एक कॉमन टेस्ट कर देंगे, सेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सी चंद्रमौली, ये जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा है। द प्रपोजल टू सेटअप NRA फॉर कंडक्टिंग सीईटी वॉज पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाई द फाइनेंस मिनिस्टर इन अर यूनियन बजट ऑन February 1 दिस ईयर। यानी कि यूनियन बजट में भी सीईटी की बात हुई थी, आपने उस समय भी इससे रिलेटेड न्यूज़ या वीडियोज़ देखे होंगे।
अब देखो क्या क्या मेजर चेंज होने वाले हैं। सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं होंगे बल्कि एक सिंगल ऑनलाइन सीटी होगा फॉर रिक्रूटमेंट इन नॉन गेजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमें बार बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और ये जो डिले होता है शायद ये डिले बंद हो जाएगा। अब सीटी स्कोर्स विल बी वैलिड टू फॉर अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेंगे उसके स्कोर्स। तो बार बार हर साल आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बट अगर स्कोर इंप्रूव करना है तो आप ऑब्वियसली दे सकते हैं। Each candidate will get 2 additional chances to improve their scores, यानी कि आपको दो additional chances मिलेंगे अपने score को improve करने के लिए। The best of 3 scores will be considered, 3 में से जो best होगा उसे consider किया जाएगा। तो आप ऐसा नहीं होगा कि पहले जितने भी चाहें उतने chances दे सकते हैं, 3 chances ही मिलेंगे। CET merit list by the NRA will also supply for recruitment to state government jobs on a cost sharing basis, यानी कि CET की जो merit list होगी उस NRA के द्वारा जो तैयार की जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए भी काम कर सकती है, जो कि उसमें कॉस्ट शेयरिंग बेसिस होगा, यानी कि कुछ पार्ट इसका मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बात होगी। NRA विल बी सिमिलर टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अभी कॉमन इंटरेस्ट कराती है JEE का, नीट का, अंडर ग्रेजुएट स्कोर्स के लिए, उसी तरीके की NRA आपकी बनेगी। ठीक है, एज ऑफ नाउ एस्पेरेंट्स नीड टू अपियर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन। अभी आपको बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं एक ही डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पर सिमिलर पोस्ट के लिए। CET score valid for 3 years, date of declaration ये हमने बता दिया, will be made available to candidates individual recruitment agency, each candidate will have 2 additional chances, ये सारी बात हमने कर चुकी है। ठीक है, अगली बात, अब देखिए ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐड किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि NRA जो है गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, ये बात सही है, टाइम को कम करेगा जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में लगता है, मल्टीपल हार्डशिप्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी एक जैसी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं फिर भी हमें अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। CET जो है करीब 1000 सेंटर्स से ज़्यादा पे कंडक्ट कराया जाएगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 exam center इंक्लूडिंग द 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। बेटर एक्सेस टू रूरल अंडरप्रिविलेज कैंडिडेट्स एंड वुमेन, आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा कहना है गवर्नमेंट करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपियर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन, वो नहीं होगा, बार बार आपको फीस देनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, वो नहीं होगा। NRA जो है उन सभी पॉइंट्स को कम कर देगा जिसकी वजह से विद द कॉमन टेस्ट फॉर द Tier 1 exam ऑफ मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। आप देखो इस बात को ध्यान से समझिए, NRA विल रिमूव दीज पेन पॉइंट्स विद अ कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द Tier 1 exam ऑफ मल्टीपल फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम जॉब्स, यानी कि ये जो टीयर वन होगा ये उसको ख़त्म कर देंगे, बाकी जो टीयर होंगे वो वैसे के वैसे रह सकते हैं। जैसे जो मेरी समझ जितनी कहती है वो ये कहती है, मैं एकदम सही नहीं हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, बट मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि ये क्या करेंगे, जैसे कि आपने CET दिया तो अब CET का स्कोर कार्ड आपका हर जगह वैलिड होगा। ठीक है, अब आपको फर्दर आपको डिसाइड करना है, आप SSC का भी पेपर दे सकते हैं, बैंक का भी दे सकते हैं, रेलवे का भी दे सकते हैं, तो अब इसमें फर्दर आगे रास्ते बढ़ जाएंगे, यानी कि टीयर वन तो ये कंडक्ट हो गया, अब टीयर टू आप SSCGL का दीजिए या बैंक के लिए टीयर टू दीजिए या रेलवे के लिए दीजिए, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी एज इट इज़, बट ये शायद सिर्फ टीयर वन को ही कम करेगा जितनी मेरी समझ कहती है। NRA विल रिड्यूस द बर्डन ऑन कैंडिडेट्स एज ऑल्सो ऑन रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज, तो जितनी ज़्यादा डिटेल आगे जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ दिस चॉइस, यानी कि आप अपने हिसाब से चूज सेंटर चूज कर सकते हैं, डेट चूज कर सकते हैं। CET scores can be shared with central government, state government, UTs, PSUs, private sector में भी इनके स्कोर कार्ड माने जाएंगे जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपने देखा होगा तो अक्सर SSC में पूछता है क्या आप अपनी डिटेल्स को MHRD के साथ शेयर करना चाहेंगे जॉब्स के लिए, तो वही यहां पर होगा कि अगर आप CET का स्कोर है तो आपको प्राइवेट में भी नौकरी मिल सकती है, PSU में भी मिल सकती है, UTs में भी मिल सकती है। वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंट ऑन रिक्रूटमेंट, तो ये टाइम और पैसे को भी बचाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर, से आपको ज़्यादा चॉइस देता है। स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगा। बेस्ड ऑन CET स्कोर्स फाइनल सेलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज Tier 2 and Tier 3 एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बाय द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखिए जो मैं बात आपको बता रहा था ये वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि CET के स्कोर के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किसके आधार पे होगा, Tier 2 और Tier 3 एग्जामिनेशन जो हैं वो रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि जैसे आपने टीयर वन तो CET के थ्रू आपने स्कोर कार्ड दे लिया, अब आप SCGL का पेपर देना चाहते हो तो आपको SSC में अप्लाई करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप Tier 2 देंगे और Tier 3 देंगे, फिर आपकी जॉब लगेगी।
सिमिलरली अगर आप बैंक की तरफ जाना चाहते हैं तो बैंक का आप एग्जाम देंगे, फिर आपकी जॉब लगेगी। सिमिलरली रेलवेज के लिए टीयर टू देंगे तो आप रेलवेज में जा सकते हैं। तो सीईटी जो है वो पहला दरवाजा कॉमन कर देगा अंदर के लिए, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये तीन कमरे हैं। अभी क्या होता है, मुझे इन तीन कमरों में जाना है तो मैं डायरेक्ट 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 जाऊंगा। अब ये क्या कर देंगे इसको, ये इसमें ऐसा कर देंगे कि आप इनके लिए जो एक दरवाजा है वो कॉमन कर देंगे, एक दरवाजा तो गेट कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आप इस फर्दर इस गेट को खोलेंगे, इसको गेट को खोलेंगे, एक गेट खोलेंगे, तो बेसिकली एक दरवाजा ये कॉमन कर देंगे जिसके थ्रू आपको कॉमन आपका एग्जाम होगा, जिसके थ्रू आप आगे चाहें तो अपनी राह बदल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। सीटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर थ्री ईयर्स, बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग थ्री ईयर्स विल बी करंट स्कोर। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट, यानी कि तीन आपको एक सीटी के लिए तीन अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें से तीन में से जो बेस्ट होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपर एज लिमिट जो है उसी के आधार पे हो गया। रिलैक्सेशन जो है वो आपके एससी एसटी ओबीसी के जैसे दिए जाते हैं वैसे ही दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है सीटी जो है वो सेपरेट कंडक्ट किया जाएगा थ्री लेवल्स के लिए, जैसे ग्रेजुएट के लिए अलग, ट्वेल्थ लेवल के लिए अलग, मैट्रिकुलेशन के लिए अलग, जैसे अभी होता है एमटीएस के लिए होता है, फिर सीएचएसएल होता है, जीसीजीएल होता है, तो इन तीनों लेवल के लिए अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट सीटी विल शैल रिप्लेस द टीयर वन एग्जाम हेल्ड बाय द एसएससी रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। देखिए फिर से वही बात कह रहे हैं कि सिर्फ टीयर वन को ये रिप्लेस करेगा, टीयर टू टीयर थ्री को रिप्लेस नहीं करेगा। टीयर टू टीयर थ्री जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, सिर्फ टीयर वन आपका एक कॉमन हो जाएगा। सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सीईटी जो है वो शॉर्टलिस्ट कर देगा कैंडिडेट्स को ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। समझ में आया? तो सीईटी अगर आता भी है तो वो सिर्फ टीयर वन को कॉमन करेगा, आगे की रास्ता वैसे की वैसी रहने वाली है, यानी कि बहुत मेजर चेंज नहीं हो जाएगा कि नहीं आपने एकदम से देखा कि आपने पढ़ाई ही बदल दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोस्टली एग्जाम भी वही रहेगा, जो आप भी अभी आता है वही आपका आएगा, क्वांट और एप्टीट्यूड यही आता है, पूरी दुनिया में यही पूछे जाते हैं तो यहाँ भी यही पूछा जाएगा। बस उसके थ्रू क्या होगा, एक स्कोर कार्ड के जरिए आप तीन जगह अप्लाई कर सकते हो, ये आपका रहेगा। बाकी कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने सीटी क्लियर कर लिया तो बैंक में नौकरी लग गई या एसएससी में नौकरी लग गई, ऐसा नहीं। आप आगे के टीयर जैसे देते हो वैसे ही दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने सीटी के बारे में जानकारी दी, आशा करता हूँ जितना बताया है समझ में आया होगा। और पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जितनी है अवेलेबल अभी इंटरनेट पे मैंने आपको दे दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। और ये मेरे बैचेस हैं जो कि आपको अनअकैडमी पर दिख जाएंगे। इंग्लिश का बैच चल रहा है सुबह 8 से 9:30 बजे तक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का बैच चल रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन का बैच चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 4 बजे। और रीजनिंग का बैच आने वाला है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आई होप जितना बताया है सभी को समझ में आया होगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, उसको मैं आगे आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।